तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। तो कल सुबह तक आ जाएंगे ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, गुड गुड, ओके थैंक यू। अब कौन आने वाला है? वही जो किसी के पास टिकता नहीं है। कौन? पैसा। मिसेज मनचंदा को 90,000 रुपए लौटाने हैं ना फोन के, बस उसी के लिए एक FD तुड़वाई है। वही पैसे कल अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले हैं। मानव। हाँ? सॉरी यार, तुम्हें मेरी वजह से हमारी सेविंग्स वेस्ट करनी पड़ रही है। अरे अक्कू, पर एक अच्छी चीज भी तो हुई है, जो तुम्हें फोन पसंद था वो तुम्हें मिल गया। तुम इतना महंगा फोन लेकर भी तुम अगर उदास लोगी तो मुझे सच में लगेगा सेविंग वेस्ट होगी। पर मानव, मैं ये जानते हुए कैसे खुश हो सकती हूँ कि हमें तुम्हारी 25,000 की सैलरी की हाइक छोड़नी पड़ेगी, और ऊपर से सबसे बड़ी बात, तुम्हारे सर पर सस्पेंशन की तलवार भी तो लटक रही है। आपको तुझे वो रात याद है, The magical night, जब तुम आधी रात को बिना बताए मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मैं भूलना भी चाहूँ ना तो भी तुम मुझे भूलने नहीं दोगे। अरे पर तुम चाहती क्यों हो कि मैं अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल, सबसे खूबसूरत पल को भूल जाऊं? मानव, तुम्हारे पास कुछ छुट्टे पैसे हैं क्या? मुझे टैक्सी ड्राइवर को देना है। हाँ, आया आया। हाय, ये रुको, रखो रखो। यहाँ क्या कर रही? तुम्हारी तो शादी थी ना, तुम ठीक हो? नहीं, एनी प्रॉब्लम? मैं कुछ कर सकता हूँ मतलब? अब भी प्यार करते हो मुझसे? हाँ, शादी करोगे मुझसे? जब रात अंधेरी हो, सुबह में देरी हो, तुम सूरज बन जाना और कहना मेरी। मानव, माय नीज हर्टिंग। टेल मी नाउ। क्या कहते हैं आपसे पहले जो ऑफिसर, क्या नाम था? जयसवाल साहब। हाँ, जयसवाल साहब, उन्होंने पोस्ट तो खाली कर दी लेकिन बंगला नहीं खाली किया। लेकिन अपन को बेस्ट ऑप्शन जो नेक्स्ट लगा वो अपन ने आपको दिखा दिया। देखिए, शानदार 2 BHK, कमाल है। 3 हफ्ते से पोस्ट खाली है, बंगला क्यों नहीं खाली हुआ? अरे मानव साहब, आप भी सरकारी ऑफिसर है, आपको तो सब पता है। जिसको मुफ्त का मुंह पे लगे वो कहाँ आसानी से छूटता है, और छूटे नहीं, वो क्या कहते हैं, मुफ्त का चंदन घिसमेरे नंदन नंदन। हाँ, सरकारी। जयसवाल जी को सरकारी होने के साथ साथ संस्कारी होने की जरूरत है। नियम कायदे कानून कुछ बचे या नहीं? आप खाली करवाइए बंगला। अरे मानो सब, ये सरकारी नौकरी में तो ऐसे ही चलता रहता है। क्या सरकारी सरकारी लगा के रखा है आपने? हाँ, मेरे पापा भी गवर्नमेंट सर्विस में क्लास ए ऑफिसर थे, पर उन्होंने कभी ऐसी मनमानी नहीं होने दी अपने साथ। अरे मैडम जी, कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे ही जसवाल साहब जो हैं वो बंगला खाली कर देंगे, आप लोग घुस जाइए। मेरा मतलब है आप लोग भी शिफ्ट कर जाइए ना। हाँ, बस लोडिंग अनलोडिंग करते रहे हम, और कुछ काम नहीं रह गया ना हमारे पास। मैडम जी, अभी अभी के लिए चलते हैं ना अंदर। बिल्कुल नहीं मान। अक्कू, अभी के लिए चलते हैं, मैं कल सुबह जाके जसवाल से बात करूंगा। मानव, उन्होंने 3 हफ्तों से बंगलो खाली नहीं किया है, वो तुम्हारे कल कहने पर बंगलो खाली कर देंगे। कमाल है मैडम जी, क्या बात बोली है, कमाल की बात बोली, बिल्कुल सटीक बात बोली, कमाल। मानव, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बंगलो में ही शिफ्ट करना है, तुम आज ही जाके जयसवाल साहब से बात करो। चलो यथु। मानव साहब, मैडम जी बहुत गुस्से वाली लगती है।
शॉक लगा है, ऐसे में किसी को भी गुस्सा आएगा? नहीं आएगा कि? आप मुझे जयसवाल से मिलाइए अभी। दादा, सुसु। इरफान जी, बच्चे को सुसु आइए, आपके घर ले जा सकते हैं। बेशक, चलिए। मानव जी, इरफान जी सी विंग में रहते हैं, थोड़ा दूर। मेरा घर तो पास में ही। बच्चा मान ले जाइए अपने घर में, सुसु कर लेगा। और भाभी जी रेस्ट है। कमाल है, चलिए ना, आ जाइए तू। आ जाओ, आ जाओ। चलिए ना भाभी जी घर में। मेरी वाइफ जो है ना, वो अनार पोहा बनाती है, सच्ची। खाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बात ये है जयसवाल साहब, अरे बातें तो होती रहेंगी वाजपेयी जी, पहले आप इंदौरी पोहा और रतलामी सेव तो लीजिए। वैसे खिलाना पिलाना तो आपका बनता है, सुना है पोस्टिंग के साथ साथ आपका प्रमोशन भी हुआ है। जी जी जी। बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया जी। पर मेरी बिटिया की पढ़ाई की बात है, इसीलिए मैं इस बंगले में हूँ। वो क्या है ना, मेरा ट्रांसफर सागर में हुआ है, लेकिन बिटिया की 12वीं होने को अभी 6 महीने बाकी है, इसीलिए तब तक हमें इसी घर में रहना पड़ेगा। जयसवाल साहब, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन आपको भी मेरी सिचुएशन समझनी चाहिए। मेरा 6 साल का बेटा है सर, और आप तो जानते हैं इस उम्र में दौड़ने भागने खेलने कूदने के लिए जगह चाहिए होती है। भोपाल में हमें बड़ा गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ था, वहाँ सब अच्छा था, लेकिन यहाँ पर जैसी है अचानक छोटा सा एक 2 BHK मिला, उसमें एडजस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। आई एम रियली सॉरी जयसवाल साहब, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये बंगलो चाहिए। बस करो। अरे, इतनी मिठाई खिलाकर वाजपेयी साहब को डायबिटीज कराओगी क्या? तो ऐसा है जयसवाल साहब, अगर आप ये बंगलो खाली नहीं करते हैं तो मुझे मजबूरन आपके खिलाफ कंप्लेन करनी होगी। शौक से कीजिए, पेन पेपर चाहिए तो मुझसे ले लीजिए, लेकिन 6 महीने से पहले मैं ये बंगला खाली करने वाला नहीं हूँ। मैंने मानव से साफ साफ कह दिया, मैं उस डब्बे में नहीं रहने वाली। अरे का खाली नमकीन, अरे थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डालो भाई, खाली नमकीन लेके जाना अच्छा लगेगा का? जल्दी डालो। किसी भी सुंदर औरत को देखा नहीं कि तुम्हारे अंदर का बंदर कूद कूद के बाहर आ जाता है ना? कुछ भी नहीं बाबा, कुछ भी बोलती रहती हो, अरे जल्दी दो। अरे तो ना हम लेके जाएंगे। भाभी जी, भाभी जी, ये ड्राई फ्रूट्स और गर्मा गर्म पोहे आपके लिए, खाते हुए बातें करेंगे। अरे मुझे तो ना, मैं ले आता ना। पर आपने यूं ही। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.